नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है पहाड़ प्रभात का और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के दौरे पर हैं और केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है और आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। अंतरिम राहत को लेकर बातचीत हो सकती है। कल वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री से प्रदेश के मुखिया ने मुलाकात की थी और राहत पैकेज को लेकर दरअसल लगातार मांग की जा रही है हिमाचल प्रदेश की ओर से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने बीते कल मुलाकात की थी और आज खबर है कि पीएम मोदी से वो मुलाकात कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है बाढ़ की वजह से, आसमानी आफत से, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश की सरकार को उम्मीद है केंद्र सरकार से राहत पैकेज की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीते दिन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की थी। तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से पूरी मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रही है। दरअसल तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री तमाम केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष प्रदेश की समस्याओं को रख रहे हैं। प्रदेश में क्या कुछ और विकासात्मक कार्य किए जा सकते हैं उनको लेकर भी उन्होंने तमाम नेताओं से बातचीत की है, चर्चा की है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। स्पर्श, मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली के दौरे पर हैं, तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई किस तरह से उन्होंने बीते कल तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री से भी। आज का क्या कार्यक्रम बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है आज? देखिए, बिल्कुल, सुखविंदर सुक्खू लगातार दिल्ली दौरे पर बने हुए हैं। ये तीसरा दिन है हिमाचल के मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे का और लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात सुखविंदर सिंह सुक्खू करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ कर जिस तरह की स्थिति, एक बड़ा नुकसान जो है हुआ नजर आया है, और तो ऐसे में केंद्र सरकार से किस तरीके से मदद जो है ली जा सकती है, इसको लेकर मुलाकातों का दौर जारी है। आज प्रधानमंत्री मुलाकात जो है संभव यहाँ पर जो है बताई जा रही है। समय जो है प्रधानमंत्री से मांगा गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू के जरिए, तो हो सकता है ये मुलाकात जो है देखने को नजर आए। लेकिन कल बड़ी मुलाकात से देखने को मिलती नजर आई थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात जो है होती हुई नजर थी। और तुरंत राहत देने के लिए जो एक राशि है वो कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार को दी जाए, इसको लेकर जो बात है वो जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखी थी, ताकि जो प्रदेश में बाढ़ के हालातों के बाद जो नुकसान होता हुआ नजर आया उस कहीं ना कहीं उभरा सके। लगातार प्रदेश में जो हाईवेज हैं उनको जो है ठीक किया जा रहा है, जो सड़कें हैं उसको जो है जा रहा है, तो ऐसे में केंद्र सरकार की किस तरीके से मदद की जा सकती है, इसी को लेकर जो मुलाकातें हैं वो काफी अहम मानी जा रही है। इस पर एक सवाल, लगातार हिमाचल प्रदेश की सरकार की बात करें, हिमाचल प्रदेश के नेताओं मंत्रियों की बात करें, तमाम लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार फौरी तौर पर कोई राहत पैकेज दे हिमाचल प्रदेश के लिए। मुलाकातें लगातार हो रही हैं लेकिन कोई राहत पैकेज फिलहाल नहीं मिला है। क्या कुछ इसको लेकर चर्चाएं, कब तक इस तरह की उम्मीद सरकार करे? देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर जब बने हुए हैं यहाँ पर, तो वो एक पैकेज जो है कहीं चाहते कि एक पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रदेश सरकार को दिया जाए, ताकि जो जो हुआ है उसका जो है भरपाई कहीं की जा सके। सर, हमने ये भी देखा था कि प्रदेश के जो मंत्री हैं वो भी दिल्ली दौरे हम देखने को मिलते हुए नजर आए थे। प्रदेश की जो अध्यक्ष, उन्होंने तो ये कहा था कि जो राष्ट्रीय आपदा है वो घोषित कर दे रही थी। ऐसे में 1000 करोड़ की जो राशि है वो जो है कहीं ना कहीं जो प्रदेश दी जाए, इसी की मांग जो है लगातार जो है करते हुए जो है जो मुख्यमंत्री है वो नजर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संभवतः मुलाकात होगी और वही मांग जो लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं राहत पैकेज केंद्र सरकार दे, उसी बात को एक बार फिर उठाते दिखाई देंगे। तो वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। बाढ़ के हालात प्रदेश में देखने को मिलते हुए नजर आए, सर किस तरह की चर्चा रही और क्या कुछ आश्वासन जो है मिलता नजर आया? देखिए, आज सुबह पहले देश के गृह मंत्री जी से मुलाकात थी, फिर देश के वित्त मंत्री जी से मुलाकात थी, फिर देश के रक्षा मंत्री जी से मुलाकात थी। हिमाचल के कुछ मुद्दे हैं जिनके लेकर मैंने उनसे बात की और केंद्रीय गृह मंत्री जी से ये अनुरोध किया कि इस आपदा की जो 50 साल में सबसे बड़ी त्रासदी है उसके लिए हमें अंतरिम राहत की पहली किस्त जल्दी जारी कीजिए। उन्होंने जल्दी से केंद्रीय टीम भेजी थी, अब उसकी रिपोर्ट हो अगर मंगा के जल्दी अंतिम राहत की किस्त जारी करेंगे तो हमको रिस्टोरेशंस में ज़्यादा उसका फायदा मिलेगा। सर इसके अलावा बात करें तो एक बड़ा नुकसान प्रदेश को कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आया। पूर्व मुख्यमंत्री भी दिल्ली दौरे पर थे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है प्रदेश के दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आए। अधिकारियों को लेकर लगातार सवाल कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के जो जो मंत्री हैं विक्रमादित्य, उन्होंने भी सवाल उठाए थे और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो पीडब्ल्यू सेक्रेटरी थे वो जो है मौजूद नहीं थे। इस तरीके किस तरीके से देख रहे, प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता हुआ नजर आया? नहीं, वो गलत बात कह रहे हैं। जो वहाँ के चीफ इंजीनियर थे, नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर थे, वो सब लोग वहाँ थे। जरूरी नहीं तो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को आना हो। जब चीफ मिनिस्टर वहाँ हो और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वहाँ थे, हमारे लोकल एमएलए थे और उसके साथ उस क्षेत्र के जो लोग हैं जिनको जानकारी होती है उस भौगोलिक की, उनको आना जरूरी होता। वो ऐसा है कि वो अपना ध्यान मीडिया के माध्यम से हिमाचल की जनता के बीच रखना चाहते हैं कि मेरी बात भी सुनिए। तो हम इस अभी इस आपदा के समय हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। इन सब बातों के लिए ना आपके पास विधानसभा का पटल है, उसमें रखना, और अभी रख रहे तो वो भी कोई बात नहीं है। अब उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा मिला हुआ है तो कुछ ना तो कुछ तो कहना ही है, तो उसमें अब उनको कहने के लिए हम उनको रोक नहीं सकते। चीफ इंजीनियर क्या पीडब्ल्यूडी का नहीं, तो टेक्निकल जो भी वहाँ के लोकल एक्शन वगैरह होते हैं वो सब टेक्निकल स्टाफ होते हैं, और जब प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पहुँच जाए तो सभी लोग पहुँचे होते हैं। नितिन गडकरी जी ने भी उस अपन जो तबाही का मंजर है वो अपनी आंखों से देखा और पाया कि जो मैं सोच कर आया था उससे भयंकर है। मैं नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें कहा है कि मैं आपका जो CRF का जो हमारा वो जो चीज़ हमारा जो हिस्सा है उसको उन्होंने बढ़ाने की बात की है और हम चाहेंगे कि वो जल्दी बड़ा हुआ हिस्सा में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। तो वहीं शिमला में हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बताया कि हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा से सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जिसके रेस्टोरेशन का कार्य तेज गति से चल रहा है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कुल्लू मनाली का दौरा कर मदद करने के आश्वासन देने पर भी आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी आड़े हाथों लिया है। और जितने भी और 4 लेन के प्रोजेक्ट्स पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें बहुत गहरी जो है वो संवेदना प्रकट करी है। बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस कि जब भी बरसातें होती हैं आपके पूरे के पूरे सेक्शंस जो है वो NHAI के बैठ जाते हैं, तो इसके लिए एक साइंटिफिक तरीके से हमको भविष्य में काम करने की आवश्यकता है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की बात है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए जब भी इसमें अब रीडेवलपमेंट शुरू होगी तो सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ही आगे का काम किया जाएगा। अभी तो केवल रेस्टोरेशन का काम है, मगर जब लॉन्ग टर्म रेस्टोरेशन किया जाएगा तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ताकि इस तरीके की आपदाएं भविष्य में पैदा ना हो और हमको जब भी आगे आने वाले समय में एक सेफ पैसेज जो है वो इलाके में मिले, इसके लिए हम जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो अपने लोगों को इस संकट से बाहर निकालने की है, इसीलिए हम मिलकर आगे चलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार का सहयोग हमें चाहिए, जिसके लिए हम दिल्ली गए। मैं व्यक्तिगत रूप से नितिन गडकरी जी से मिला, मुख्यमंत्री जी मिले, नेता प्रतिपक्ष भी मिले, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और वो हिमाचल आए, हिमाचल में उनका स्वागत हमने मिलकर किया और उन्होंने यहाँ की जो स्थिति है उसको जाना और मिलकर उसका निरीक्षण जो है वो हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी किया, ग्राउंड जीरो पे जाके भी किया, और उसको हम अब मिलकर
इसको रेस्टोरेशन का कार्य जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जो हमारी सड़कों का नंबर आपको दिया है, इसको वॉर फुटिंग पे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपकी NHAI की है उसकी भी मैंने आपको स्थिति से जो है वो वाकिफ किया है। बाकी और भी जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये चेंज होती रहती है, मगर हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को पूरे तरीके से अपडेट रखें। तो वहीं हिमाचल में आई आपदा ने पर्यटन कारोबार को ठप कर दिया है, जिससे प्रदेश के कारोबारियों का स्ट्रेस और बढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि में आपदा का कहर, पर्यटन कारोबार चौपट, अब भी 293 सड़कें बंद, कारोबारियों का बड़ा स्ट्रेस। देवभूमि हिमाचल इन दिनों बारिश बाढ़ के कहर से प्रभावित है, सब जगह तबाही का मंजर है। हिमाचल में जुलाई में बारिश से हुए नुकसान ने न केवल भारी तबाही मचाई बल्कि 50 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सबसे ज्यादा असर पर्यटन कारोबार पर पड़ा, जो प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है। 5 जिलों सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू और किन्नौर में इतना नुकसान पहुंचा कि भरपाई में कई साल लगेंगे। इस साल जून तक सब कुछ ठीक चल रहा था। बारिश बार की वजह से प्रदेश में अब भी 293 सड़कें बंद हैं। दूसरे राज्यों शहरों से कनेक्टिविटी कटने का असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है, यानी इस नुकसान की भरपाई में कई साल लग सकते हैं। बारिश बाढ़ का कहर, पर्यटन पर असर। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 6 महीने में प्रदेश में 1,06,000 पर्यटक पहुंचे। अकेले जून में ही प्रदेश में 35 लाख पर्यटक घूमने पहुंचे। जुलाई में आई प्राकृतिक आपदा से पर्यटन कारोबार चौपट हुआ। होटलों में ऑक्यूपेंसी घटकर 2-3% रह गई। इधर पर्यटकों ने होटलों में एडवांस बुकिंग को कैंसिल कर दिया, जबकि धर्मशाला में सामान्य बारिश होने के कारण पर्यटन पर उतना असर नहीं पड़ा। होटल मालिकों का कहना है कि 20 जुलाई तक मनाली में कारोबार शानदार रहता था, लेकिन कोरोना के बाद ये पहली बार हुआ कि पर्यटन कारोबार शून्य पर पहुंच गया है। फॉर्चुनेटली जो ये कल अब लैंडस्लाइड हुआ है, ये समझते हैं कि ये तो बहुत ज़रा जो है एक धक्का लगा है इंडस्ट्री को, क्योंकि इसमें अब हम भी क्या कह सकते हैं कि कैसे टूरिस्ट आएगा, किधर से आएगा। अलबत्ता उन्होंने एक अल्टरनेटिव रोड बोला, मगर अल्टरनेटिव रोड पे भी मुसीबत तो वही है। जो लोकल क्लाइंटेज है वो तो है ही, पर वो एक फिक्स्ड क्लाइंटेज है जो लोकल है। शिमला में मेन काम है टूरिस्ट की वजह से, वो आएंगे तो ही काम होगा, हर सेक्टर चलेगा। और जो फ्लैश फ्लड्स इस बार आए हैं, बरसातें बहुत ज़्यादा हुई हैं, सड़कें सारी वॉश अवे हो गई हैं, तो कोई भी यानी कि फैमिली के साथ रिस्क नहीं लेगा कि मैं घूमने चले जाता हूँ। क्यों कोई रिस्क लेगा कि मैं घूमने जाता हूँ अपना घर बार छोड़ के? प्लेन्स में भी फ्लैश फ्लड्स आए हैं, सबके घर प्रॉपर्टीज बर्बाद हुई हैं, तो वो अपना घर बार देखेंगे या घूमने फिरने आएंगे? जुलाई में कुल्लू से लाहौल स्पीति के लिए 60,824 वाहन की आवाजाही रही, जो अमूमन 1,00,000 से 1.5 लाख के बीच रहती थी। पिछले एक हफ्ते में महज 9,000 गाड़ियां ही लाहौल स्पीति के लिए गई हैं, लेकिन इसमें पर्यटकों की गाड़ियां बहुत कम थीं। तो वहीं पुलिस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक हफ्ते में शिमला में महज 4,000 से 5,000 गाड़ियां ही पहुंची हैं। शिमला की टूरिज्म इंडस्ट्री एक महीने से ठप पड़ी है। भाई में तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई 1980 के बाद। 2023 ऐसा साल रहा जब 437 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो कि करीब 43 ईयर्स के बाद हुई है। और इसके साथ साथ में जुलाई में 6 ऐसे जिले हैं जहां पे 50 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। उसमें सिरमौर, शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा और हमीरपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पे 24 घंटे की जो बरसात है उसने 50 सालों से भी ज्यादा का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। उन्ना ऐसा जिला है जहां पे पिछले 100 साल के रिकॉर्ड भी ब्रेक हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की GDP में पर्यटन का करीब 7.5% योगदान रहता है। यहाँ पर मौजूदा समय में 4,297 होटल और 3,733 होम स्टे इकाइयाँ हैं, जिन पर इस बार मौसम की मार पड़ी है। तो वहीं एक बार फिर बदलते मौसम ने कारोबारियों को चिंता में डाल दिया है। उधर सड़क अक्षतिग्रस्त होने के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन के डर से पर्यटकों ने अपनी यात्राएं रोक दी हैं। न्यूज डेस्क, जनता TV।
तो देखा आपने किस तरह से प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश में पर्यटन कारोबार को पूरी तरह से चौपट कर रख दिया है। फिलहाल उम्मीद तमाम पर्यटक कारोबारों को यही है कि जल्द से जल्द हालात सुधरें और लोग हिमाचल का रुख करें। रुका हिमाचल में बारिश और बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है, तो वहीं अब मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने बताया कि जहां प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है, हिमाचल सरकार लगातार प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों को दी जाने वाली राहत राशि में भी बढ़ोतरी की है। यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की नेतृत्व में उनके आह्वान पर मुझे भी अपने क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र का दौरा करने का मौका मिला जहां पर भेड़ पालक अपनी भेड़ों के साथ फंसे हुए थे। उनकी जो कठिनाइयां थी उन्हें जानकर उन्हें राशन वहां मुहैया करवाया गया। इसी तरह से हमारे कुछ भेड़ पालक जो लाहौल की तरफ जाते हैं वहां से भी हेलीकॉप्टर द्वारा सरकार ने राशन मुहैया करवाया है। तो वहीं हमीरपुर के विश्राम गृह में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष और केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने की। बैठक में हिमाचल में बारिश से आई आपदा को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जाए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बीच में जिस तरह मुख्यमंत्री ने काम किया है, हम नहीं कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का जो सबसे बड़ा ऑफिसर है उसने कहा है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने जिस तरह इसमें कार्य किया है वो काबिले तारीफ है, और वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड बैंक उनकी हर संभव सहायता करेगा। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री इसी उपलक्ष्य में आज दिल्ली में भी है, और जिन्होंने एक नया जो इतिहास लिखा है कि जब हमें 10,000 मकाना का मिला, लाख लाख किया, पशुओं के लिए 55,000 दिया, एक नया जो उन्होंने लोगों के दुख को बांटने के लिए एक प्रयास किया है, वो भी हमारे जो है वो काबिले तारीफ है। तो वहीं बिलासपुर में राहत पुनर्वास और बचाव समिति की बैठक हुई, और इस बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है और प्रभावित लोगों के कार्यों को जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश के चलते अब 120 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। सरकार की तरफ से प्रभावितों के लिए हर संभव मदद की जा रही है। जितने फंड हमें मिले शायद जो विभाग महसूस कर रहे हैं कि उससे शायद ना उनका काम चले, चाहे वो IPH के हों, चाहे वो PWD के हों, चाहे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के हों या किसी और विभाग के, क्योंकि मनी भी सीमित होती है, सहायता भी सीमित होती है, परंतु सीमित जब नुकसान हुआ हो तो उसको काबू करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ेगी। इसके बारे में विचार विमर्श हम उसमें करेंगे, और हो सकता है कि हम हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के लिए कोई स्पेशल पैकेज देना पड़े, से विचार विमर्श करेंगे। आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार राहत देने के हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार ने बताया कि उन्होंने दून विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है और प्रभावितों से मिलकर उनकी निजी तौर पर हर संभव सहायता की। इसके साथ ही उन्होंने सभी क्षेत्रों के लिए जारी की गई राहत राशि के बारे में भी जानकारी दी, और इसके अलावा उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि प्रभावितों के नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज ग्राम पंचायत साई के फुटवार सर्कल साई में जिन लोगों के मकान, काउशेड और जो नुकसान हुआ था उसके उनके क्लेम जो है वो हमने पास कर दिए हैं, और क्योंकि पैसा ट्रेजरी में आएगा, SDM साहब ने सेंक्शन लेटर इनको दे दिए, 2-3 दिन में इनके पैसे जो है इनके अकाउंट्स में चले जाएंगे। और आज हमने 10 लोगों को जो है वो क्लेम यहाँ दिया है, जिसमें 2 के मकान फुली डैमेज है और बाकी 8 के जो है वो अर्ध डैमेज है, और जो अर्ध डैमेज है उनको 1,00,000 रुपया, और जो फुली डैमेज वाले उनको 1,20,000 रुपया, और बाकियों को जिनका फुली डैमेज है उनको 10,000 रुपये मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से, और जो जिनका पार्शल आधा डैमेज हुआ है उनको 5,000-5,000 रुपये की राशि मैं अपने पर्सनल जो है वो अपनी जेब से इनको दे रहा हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता TV।